तो दोस्तों धनी सर्विसेज ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 147 करोड़ के आसपास, पिछले साल 305 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर गया मात्र 84 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 70% के आसपास की गिरावट है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 45% के आसपास की गिरावट है। मतलब लगातार दूसरी बार कंपनी ने बहुत खराब नंबर दिए हैं। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर बहुत खराब थे, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 147 करोड़ था फिर भी खराब था, जबकि अभी देखें तो 84 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बहुत भारी गिरावट आपको देखने को मिली क्वार्टर क्वार्टर साल साल दोनों। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 554 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 345 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी जितना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है उससे तीन गुना ज़्यादा कंपनी खर्चे कर रही है, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत खराब है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। बेसिकली कंपनी तो लॉस में ही डील कर रही है तो प्रॉफिट तो है ही नहीं। पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, सॉरी लॉस था, पिछले साल 244 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 197 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के लॉस की बात करें तो कंपनी का लॉस बहुत बढ़ चुका है। अब बहुत सारे लोग आपका क्वेश्चन होगा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अरे साल दर साल तो कंपनी का लॉस कम हो गया है। अरे साल दर साल कम क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तीन गुना मतलब 70% गिर गया है। अगर कंपनी का रेवेन्यू 70% ज़्यादा रहता तो ये लॉस 197 करोड़ नहीं 500 करोड़ के आसपास होती, आप याद रखिए, क्योंकि कंपनी एक्सपेंस ही ज़्यादा कर रही है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस मिल रहा है। तो कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर ले, 1.45 रुपये का माइनस पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 4.20 माइनस का, अभी देखें तो 3.39 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का नंबर है तो बहुत कमज़ोर, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू गिरना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कंपनी का जो मेजोरिटी पार्ट जहाँ से रेवेन्यू के तौर पर जनरेट होता है इंटरेस्ट इनकम, वो देख लीजिए आप कितना बड़ी गिरावट है। पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ मिले थे, पिछले साल 160 करोड़, अभी मात्र 28 करोड़ आ गया, मात्र 28 करोड़। तो कंपनी का रिवेन्यू तो बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ देखने को मिला है, और शेयर ऑलरेडी नीचे के लेवल फंसा हुआ है, लेकिन इस नंबर के बाद मुझे लगता है एक अच्छी खासी गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है आपको। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।